हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया, अब हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं ये चीज़ें भी आपको जान लेनी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ सोमित पवार, मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड बर्ड्स में। और दोस्तों, मैं आपके बर्ड्स से रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, कैसे बर्ड्स की केयर करनी होती है, कैसे बर्ड्स का देखभाल करें, कैसे उसको घर में ब्रीडिंग करें, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि अब गर्मी शुरू हो गई है, तो जब से पहले तो अगर आपने अपने सेटअप पे, अगर आपने अपना जो सेटअप है आपके, तो उसमें आपने कोई तिरपाली अगर पन्नी अगर चारों तरफ अगर कुछ लगा रखा है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और अब जो है से जो है अपने आपके सेटअप में जो है से उमस पैदा हो सकती है। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आपके अपने जो बर्ड्स में जो है आपका खाने पीने में थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है। दोस्तों, जैसे कि आप पहले अपना सॉफ्ट फूड दे रहे थे, सॉफ्ट फूड में अगर आप उसको अनाज भिगो के दे रहे थे, तो अनाज जैसे कि आप उसको उबाल के दे रहे थे, तो दोस्तों उससे क्या उसकी जो तासीर है थोड़ी सी गर्म हो जाती है और आप अपने बर्ड्स को उसको देते थे। लेकिन अब दोस्तों उससे उल्टा करना है आपको, जो आपने बर्ड्स को अगर आपको देना भी है, अगर अनाज आपको देना है, तो दोस्तों आप अनाज को अपने 24 घंटे अपने पानी नॉर्मल पानी में उसको भिगोकर रख दीजिए, और भिगोने के बाद आपने अपने बर्ड्स को दीजिए। क्या उस वजह आपके बर्ड्स की हेल्थ के लिए, उसके ब्रीडिंग के लिए, उसके बच्चों के लिए जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और दोस्तों, इस बार अगर पालक जो है, पालक आप उनको दे ही सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो अगर थोड़ा बहुत पालक आ रहा है, तो पालक वैसे दोस्तों तासीर गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है पालक की। तो और दोस्तों, अगर आप उसको धनिया दे सकते हैं, और आपको पानी जो है अभी अपने जो प्लास्टिक के पानी में आपको बर्तन में अगर उसको पानी दे रहे थे, तो दोस्तों आप प्लास्टिक के बर्तन की जगह आप उसको अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तन में उसको अगर पानी दे दीजिए, तो आपके लिए दोस्तों आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बर्ड्स जो मिट्टी के बर्तन में जो पानी जो है ना, बिल्कुल ठंडा रहता है और उसकी तासीर भी ठंडी रहती है, जिससे पानी गर्म नहीं होता और बर्ड्स आपको ह्यूमिडिटी वगैरह नहीं बढ़ती है। और दोस्तों, अगर आपने अपने बर्ड सेटअप में अगर आपने कोई बल्ब लगाया हुआ है, तो आप दोस्तों उस बल्ब को उतार दीजिए, क्योंकि बल्ब अब जो है कि वाइट बल्ब जो होता है वो आपके सेटअप में आपकी जो कॉलोनी होती है उसमें गर्मी पैदा करता है, और उससे जो है आपके बर्ड्स को जो है गर्मी लग सकती है और हीट पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों बल्ब उतार दीजिए, और आप बल्ब को जो अगर रात को जलाते भी हैं, तो दोस्तों थोड़ी देर ही जलाना है, तो अगर आप दाना पानी देने के लिए, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों, अगर आपने अपने बर्ड्स को जो है कमनी या सीड्स वगैरह आप दे रहे थे, अपना बजीज हो गया, लव बर्ड हो गया, या कोई भी अपना जो पैरट है, ये बर्ड है, अगर आपको सीड्स दे रहे थे, क्योंकि दोस्तों सीड जो होती है सनफ्लावर की सीड जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है, तो दोस्तों आपको सनफ्लावर की सीड को जो है आपको धीरे धीरे बिल्कुल कम कर देनी है, बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अभी जो है सुबह और शाम का जो मौसम है अभी दोस्तों ठंडा है। तो दोस्तों उस हिसाब से क्या है कि आपको जो अपने जो कमनी सनफ्लावर सीड जो दे रहे थे, सॉरी, तो सनफ्लावर सीड को आप धीरे धीरे कम कर दीजिए, और जब गर्मी ज़्यादा हो जाए तो दोस्तों सनफ्लावर सीड को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और दोस्तों, जैसे कि बाजरा था, बाजरे की आप क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा दे रहे थे अपने बर्ड्स को, क्योंकि बाजरा भी बहुत गर्म होता है सर्दियों के टाइम में जो है बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो दोस्तों बाजरे की भी क्वांटिटी को आप बहुत कम कर दीजिए, और आप अपने बर्ड्स को जो है ज़्यादातर सॉफ्ट फूड, चना, ये हो गया आपको पानी में भिगो के देने वाली चीज़ें, तो दोस्तों अपने बर्ड्स को आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर जैसे आपका, अगर आपका सेटअप जो है छत पे है, या आपने लोहे की टीन या पत्थर की अगर टीन लगाई हुई है अपनी छत पर सेटअप पे, तो दोस्तों उनको जो है आपने अगर कूलर या कोई फ़ैन देना आपको उसका देना पड़ेगा। कि अगर आपका घर में है तो दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि घर में तो वैसे ही फ़ैन चलते रहते हैं, तो अगर आपको ऊपर अगर सेटअप है तो दोस्तों आप उसको कूलर लगा दीजिए, या कूलर नहीं है तो कोई फ़ैन। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि अगर जो आपके जो फ़ैन की जो या कूलर की जो आपकी हवा है वो बर्ड्स को सीधी ना लगे, उससे क्या होता है दोस्तों बर्ड्स पे अगर सीधी हवा लगती है तो बर्ड्स को क्या है जो है कई बार ठंड लग जाती है, और बर्ड्स इधर उधर जो अपने आपका सुस्त हो जाता है, उसको वो आपको बीमार पड़ जाएगा। तो दोस्तों हो सके कि बर्ड्स की जो कूलर की जो आपकी जो हवा है वो आप उसके जो पंखड़ी होती है उसके नीचे की तरफ कर दें, जिससे क्या है कि वो हवा उससे सीधी ना लग के दीवार से कहीं से टकरा के उनको हवा लगे, तो उससे ज़्यादा बेटर रहता है। दोस्तों अपने जो सेटअप है, और आपका जब आपने अगर कैज भी रख रखा है, तो दोस्तों जिसके जो है वेंटिलेशन का आप इंतज़ाम कर दीजिए, अगर आपका वेंटिलेशन में है, अगर आपने सर्दियों के हिसाब से उसको बंद किया हुआ है, तो उस वेंटिलेशन को खोल दीजिए, क्योंकि अब जो है सेटअप के अंदर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, और आपको जो है अपने बर्ड्स को जो है जैसे विमल वगैरह हो गया ये आपको देना है वो टाइम टाइम पर, क्योंकि अब दोस्तों अब गर्मियों के टाइम पर होता क्या है कि बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा लूज मोशन की जो शिकायतें आती हैं,
और दोस्तों वो लुजमेशन की शिकायतें इसलिए आती हैं क्योंकि वो उनको जो है हैवी खाना दीजिए, सॉरी गर्म खाना मिल जाता है, या कई बार जो उनको पानी गर्म पी लेते हैं उनको लू लग जाती है। तो दोस्तों इसी वजह से जो है हमारा बर्ड जो है बीमार पड़ता है। तो दोस्तों इन गर्मियों के टाइम में अपने बर्ड्स की जो है हमें सबसे ज़्यादा केयर करनी होती है, और हो सके तो अपने बर्ड्स को अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए, पेड़ पौधे अगर आस पास में है तो दोस्तों इससे क्या है कि जो थोड़ी जो है आपकी जो बर्ड्स की जो चारों तरफ जो हवा लगती है वो अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिल जाता है। और दोस्तों एक ग्रीन कलर का एक मैट आता है, वो मैट अगर आप अपने सेटअप के पार लगा दें जिससे क्या है कि अगर हवा लगती भी है, अगर गर्म लू चलती है तो वो दोस्तों लू जो है थोड़ा उसका जो है लुक उससे जो है आपकी बर्ड्स में थोड़ी ठंडी हवा चली जाती है। तो दोस्तों आप अपने सेटअप में थोड़ा सा इतना चीज़ों का थोड़ी सी तब्दीली कर दीजिए, और पानी को जो जैसे मैंने बताया दोस्तों मिट्टी का पानी हो या मिट्टी का बर्तन हो उसमें पानी रखें, थोड़ा जो है ठंडा पानी, फ्रिज का पानी दोस्तों एक गलती ना करें कि बहुत से लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि फ्रिज का पानी दें, तो दोस्तों फ्रिज का पानी अपने बर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं देना है। तो दोस्तों ये थे कुछ छोटे मोटे चेंजेस थे, और दोस्तों अगर इससे और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।